चाहिए बेस चाहिए तो हमें साउंड सिस्टम पे ही हमारा मेन फोकस था कि हमें अच्छा चाहिए, हमारा ट्रैवल ऐसा बोरिंग से नहीं होना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा है। पहले से हमारी गाड़ी काफ़ी गुड लुकिंग हो गई है। रेड चाहिए, येलो चाहिए, एकदम धांसू है बॉस, एकदम धांसू। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप जब भी कार स्टाइलिंग की वीडियो देखेंगे किसी भी कार की, हर बार आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट वर्क ही देखने को मिलेगा। तो इस बार भी हम लोगों ने इस कार के अंदर कुछ डिफरेंट वर्क करने की कोशिश की है, होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, साथ ही में मैं लास्ट में इस कार का जो एक्सपेंस लगा है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस हमारी कार रेडी हो गई है, तो अगर मैं टाइम की बात करूँ तो लेट नाइट डिलीवरी हो रही है। ये बज रहे हैं 9:25 हो रहे हैं और हमें कार डिलीवर करनी है, रेडी भी हो गई है कार। तो अब स्टार्ट करते हैं कि आखिर हम लोगों ने इस कार के अंदर क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल की हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्सटीरियर से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम लोग विविड लाइट की LED इंस्टॉल करने वाले हैं, जिसका वर्किंग मोड मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसके लिए मैं इसकी की लेके आती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों के साथ इसकी हेडलाइट का वर्किंग मोड और जो उसका थ्रो है, मतलब मैं आपको बताने वाली 90 वॉट के अंदर है, एक बार मैं आप लोगों के साथ इसका पूरा व्यू शेयर करती हूँ। सो गाइस ये हमारी लो बीम है और ये हमारी हाई बीम है। LED के बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस कार के अंदर हम लोगों ने और भी बहुत सारी चीजें की हुई हैं। तो अब चलते हैं इसके साइड फुटरेस्ट की तरफ। हम लोगों ने इस कार के अंदर अपना साइड फुटरेस्ट भी इंस्टॉल किया हुआ है, जिसकी लुक आप देख सकते हो बिल्कुल, अगर मैं कलर की बात करूँ टोटली अपना ब्लैक रहने वाला है। विथ OEM फिटिंग की तरह आप देख सकते हो फिटिंग बिल्कुल एज टू एज तक है। और अगर बात करें कि क्या ये फुटरेस्ट लगने से इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाता है, तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं मिलता है। तो आप वो देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कैरेंस की बैजिंग भी दी गई है। जैसा ग्राउंड क्लियरेंस आपका ऑलरेडी है वैसा ही ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसके बाद भी मिलता है। और जनरली फुटरेस्ट साइड से गाड़ी को प्रोटेक्ट करता है, साथ के साथ जो बच्चे होते हैं या जो एजेड लोग होते हैं उनको कार के अंदर चढ़ने में हेल्पफुल भी करता है। चलते हैं इसके इंटीरियर्स की तरफ, क्योंकि इंटीरियर्स में हम लोगों ने आज कुछ डिफरेंट वर्क किया हुआ है ओरिजिनल थीम के साथ ही, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज। सबसे पहले आज बात करते हैं इसके डैशबोर्ड के बारे में। तो गाइज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम लोगों ने डैशबोर्ड के ऊपर अपना किया था कार्बन फिनिश का लुक, बट इस बार हम लोगों ने इसके डैशबोर्ड को कम्प्लीटली ही पियानो फिनिश का लुक दे दिया है, जैसा ऑलरेडी आपके स्टीरियो पैनल की तरफ आता है। तो आप देख सकते हैं पूरा जो उसका फ्रेम है ये ऑलरेडी कंपनी से प्रेस्टीज वेरियंट के अंदर पियानो ब्लैक था, तो हम लोगों ने जो पूरा का पूरा जो डैशबोर्ड है उसको पियानो फिनिश के अंदर अपना कन्वर्ट कर दिया है। साथ ही में अगर मैं बात करूँ डोर के अपर वाले पार्ट की तरफ, यहाँ पे भी हम लोगों ने अपना पियानो फिनिश का लुक दिया है, क्योंकि जो ये डैशबोर्ड है ये अपना डोर के साथ कनेक्टेड है, उन दोनों का जो कंट्रास्ट आ रहा है ना पियानो ब्लैक का पूरा राउंड में होकर, वो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, आप देख सकते हो। और उसके बाद जो उसकी पावर विंडोज है यहाँ पे भी हम लोगों ने अपना पियानो फिनिश का लुक दिया हुआ है हाई ग्लॉस के अंदर। साथ ही में इस बार मैंने इसके डोर पे कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि जो हम लोगों ने डोर लेदर अपहोल्स्ट्री इंस्टॉल किया हुआ था वो बिल्कुल प्लेन था, बट इस बार हम लोगों ने इसके अंदर थ्रेडवर्क का भी यूज़ किया हुआ है, सिंगल थ्रेडवर्क का, वो भी आइस ग्रे के साथ विद एक्स्ट्रा कुशनिंग। तो वो भी लुक आप देख सकते हैं कि इस बार कुछ आपको डिफरेंट देखने को मिल रहा है। और साथ ही में जो जो चीज़ें की हैं इसमें हम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें इंस्टॉल की हुई हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसके बाद बात करते हैं इसके स्टेयरिंग की तरफ। स्टेयरिंग का लुक आप देख सकते हो, ये हम लोगों ने डिज़ाइनर स्टेयरिंग लुक रेडी किया है इसका, ब्लैक प्लस आइस ग्रे कलर का, तो वो आप देखेंगे विद OEM फिटिंग के साथ, विद OEM फिनिशिंग के साथ आइस ग्रे कलर का ही थ्रेडवर्क यूज़ किया हुआ है। साथ ही मैं बताना चाहती हूँ फ्लोरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने इस कार के अंदर अपना 90 फ्लोरिंग इंस्टॉल की हुई है। बात करना चाहूँ उसके कलर की, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो लास्ट कार थी उसके अंदर हम लोगों ने ब्लैक प्लस आइस ग्रे कलर का लुक दिया था, बट इस बार हम लोगों ने कम्प्लीटली ब्लैक कलर का लुक दिया है। कुछ इस तरीके से आपको इसका हील पैड मिलता है, इस तरीके से आपको हैवी क्वालिटी की 18 इंचेस में आपको एक ग्रास मैट मिलने वाली है, साथ में इस तरीके के लॉक मिलते हैं जिससे आप गंदा होने पर इजीली डस्ट को बाहर फेंक सकते हो, रेस्ट पार्ट को आप गीले कपड़े से साफ कर सकते हो।
तो वो उससे आपके कार के जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल कारपेट कंपनी से आता है अगर उस पर डस्ट चल जाए तो बार बार क्लीन कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उसके लिए हम लोगों ने फ्लोर को प्रोटेक्ट कर दिया है अपने 90 फ्लोरिंग सीट्स की तरफ लेकर चलना चाहती हूँ। उसकी सीट्स पे हम लोगों ने अपना ड्राई लेदर यूज़ किया है, चाहे इसके सीट्स हो, स्टेयरिंग हो और अपना डोर्स हो, जितना भी इस कार के अंदर लेदर यूज़ हुआ है वो हम लोगों ने कम्प्लीटली अपना ड्राई लेदर यूज़ किया हुआ है। जो हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो डाली थी किया कैरेंस की, कस्टमर उससे इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड थे कि उन्होंने वही डिज़ाइन, वही कलर, वही मटेरियल चूज़ किया है कि मैम मुझे तो बस वही आप दे दीजिए, वो मुझे बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगा है। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर हम लोगों ने डायमंड कट डिज़ाइन दिया हुआ है सेंटर में विद एक्स्ट्रा कुशनिंग के साथ। तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि कस्टमर आया ऑल द वे फ्रॉम लुधियाना से। यस गाइस, कस्टमर लुधियाना से आया है और शर्ट की मैं बात आप लोगों को बताना कैसे भूल गई हूँ, बट चलो अब तो वैसे ही मैंने आपको बता ही दिया है कि कस्टमर लुधियाना से आया, मुझे एकदम से याद आया। ओके, उसके बाद आप देखेंगे जो सीट्स पे आपको ऐसी जो फिनिशिंग है ना गाइस, मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी फिनिशिंग आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि हम लोग कस्टमाइज सीट्स लेदर अपहोल्स्ट्री में डील करते हैं। ऐसी फिटिंग फिनिशिंग आपको लूज कवर, बकेट कवर्स में नहीं मिलती है। साथ में हम लोग इसके अंदर ओरिजिनल कारपेट एंड बीडिंग यूज़ करते हैं, जिससे कि इसकी फिटिंग बिल्कुल अप टू द मार्क आती है, जैसे आपके फैब्रिक के सीट्स थे या वैसी सीट्स आपकी थी। साथ ही में जो उसका आर्मरेस्ट है इस पर हम लोगों ने एक्स्ट्रा कुशनिंग के साथ अपना फुल ऑन आइस ग्रे के अंदर लिया है विद आइस ग्रे कलर के थ्रेडवर्क के साथ, वो भी आप देख सकते हैं। हेडरेस्ट भी आप देख सकते हैं इसका, हम लोगों ने फुल ऑन अपना आइस ग्रे कलर के अंदर दिया हुआ है विद ओरिजिनल बेडिंग के साथ, तो वो भी आप लोग देंगे। इस बार आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा होगा कि हेडरेस्ट इसका ऊपर की तरफ है, यहाँ पे कुछ क्लैंप लगा हुआ है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसके अंदर हम लोगों ने 11.6 इंचेस की फुल ऑन एंड्रॉयड प्लस एप्पल हेडरेस्ट स्क्रीन इंस्टॉल की हुई है, तो अभी उसका भी वर्किंग मोड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ में आप चलते हैं इसके सिस्टम की तरफ, जो हम लोगों ने इस कार के अंदर अपना स्पीकर्स अपग्रेड किए हैं या जो साउंड सिस्टम अपग्रेड किया है, आखिर उसका आउटपुट कैसा आ रहा है। एक बार थोड़ा सा रिव्यू मैं आपको फिर से देना चाहती हूँ कि इस कार के अंदर हम लोगों ने सिस्टम अपग्रेड करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल की हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने इसके अंदर विब्रो फिल्टर की अपनी डैम्पिंग इंस्टॉल की है, डबल एयर के साथ सारे डोर्स के अंदर इंस्टॉल किए। साथ में स्पीकर्स की कवरिंग के लिए वाटर गार्ड्स लगाए हैं, JL ऑडियो के हम लोगों ने स्पीकर्स इंस्टॉल किए हैं इसके C1 सीरीज़ के। साथ ही में हम लोगों ने इन्फिनिटी अल्फ़ा का अपना 4-चैनल एम्प इंस्टॉल किया है स्पीकर्स के लिए। साथ ही में इन्फिनिटी का ही बास लिंक मिनी सब वूफर अंडर सीट वूफर इस कार के अंदर हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। अपना फ़ोन इसके साथ कनेक्ट करने वाली हूँ ताकि मैं आपको आउटपुट सुनवा सकूँ, तो उसके लिए काइंडली यूज़ हेडफोन्स। अपना फ़ोन इसके अंदर कनेक्ट कर लिया है, अब हम चलाते हैं एक सॉन्ग जिससे आपको आउटपुट का पता लग सके। मतलब मैं बता रही हूँ ना कि इतने बजट फ्रेंडली या पॉकेट फ्रेंडली सेटअप के साथ जो साउंड आ रहा है ना, जो आउटपुट आ रहा है ना, वो एकदम धांसू है बॉस, एकदम धांसू। Yeah.
सुन चुके हो कि कितना धांसु आउटपुट है जो भी हम लोगों ने इसके अंदर अपग्रेडेशन की है सिस्टम के अंदर, तो वो आप सुन चुके हो। साथ में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस कार के अंदर हम लोगों ने अपनी एम्बियंस लाइट भी इंस्टॉल की हुई है, तो उसके लिए भी अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो प्लेसमेंट आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने की हुई है इसके डैशबोर्ड की तरफ, जो कि पूरा कनेक्टेड है। साथ ही में अगर आप इसके डोर्स भी चेकआउट करोगे अपर की साइड, तो वहाँ पे भी आपको मिलने वाला है, जहाँ पे आपके पावर विंडो का सेक्शन है यहाँ पे भी हम लोगों ने अपनी एम्बियंस लाइट इंस्टॉल की हुई है। साथ ही में जहाँ पे ग्लास होल्डर का सेक्शन है वहाँ पे भी अपनी हम लोगों ने एम्बियंस लाइट को इंस्टॉल किया है। तो अब देखते हैं कि एम्बियंस लाइट को जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है, अगर मैं बात करूँ उसके वर्किंग मोड की, अगर मुझे कलर चेंज करना है या क्या इसकी ऐप को मतलब किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्या ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। गाइस इस तरीके की वो ऐप रहती है, अभी मैंने यहाँ बटन के थ्रू लाइट्स को ऑफ़ कर दिया, तो आप देखेंगे कि लाइट्स कम्प्लीटली ऑफ हो चुकी हैं हर जगह से, और अब यहाँ से मैं अगर ऑन करती हूँ तो आप देखेंगे कि लाइट्स कम्प्लीटली ऑन हो गई, और अभी मैंने पिंक कलर चूज़ किया है, तो आप देख सकते हैं अगर आपको रेड चाहिए, येलो चाहिए, ग्रीन चाहिए, जैसा आपका मूड है वैसा आप अपनी एम्बियंस का कलर चूज़ कर सकते हो। तो ये इस तरीके की ऐप है उसकी। साथ ही में यहाँ पे आपको स्टाइल में भी जाके आप देख सकते हो कि आपको रेनबो पल्सेटिंग चाहिए, रेड चाहिए या फिर सिर्फ ग्रीन कलर चाहिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। साथ में आप यहाँ से स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हो इसकी, तो ये वाला फीचर भी आपको इसके अंदर मिल जाता है, पूरा हैंडी रहता है, या जैसा एम्बियंस का कलर चाहते हो मूड के अकॉर्डिंगली वो आप चेंज कर सकते हो। मैं आ गई हूँ मिडल रो की तरफ, तो अगर मैं बात करूँ मिडल रो की कंफर्टेबल की, तो गाइस मिडल रो भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, वही अपना डिज़ाइन है, कोई भी सीट्स के अंदर निकल देखने को नहीं मिलने वाला है, विथ ओरिजिनल कारपेट एंड बेडिंग के साथ। फ्रंट सीट की बैक का लुक दिखाना चाहती हूँ, सीट्स के नीचे भी हम लोगों ने अपनी एम्बियंस लाइट इंस्टॉल की हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये गाइस ये होता है ओरिजिनल कारपेट एंड बेडिंग, हम लोग किसी भी सीट का या किसी भी कार का जो वर्क करते हैं वो बिल्कुल ओई की तरह ही करते हैं जैसे आपकी सीट्स आती है। तो गाइस ये हम लोगों ने अपनी एंड्रॉयड प्लस एप्पल इस कार के अंदर अपनी हेडरेस्ट स्क्रीन इंस्टॉल की है 11.6 इंचेस की। ये इसका होम स्क्रीन है आप देख सकते हो, बाकी ये सारी एप्स आपको इसके अंदर दी गई हैं, आप कुछ भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं ऐप के अंदर भी जाके, कोई भी क्रोम आपको यूज़ करना है, कैलकुलेटर यूज़ करना है, फेसबुक यूज़ करना है, XYZ कोई भी ऐप्स अगर आपको यूज़ करनी है, नेटफ्लिक्स यूज़ करना है, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, कुछ भी अगर आपको यूज़ करना है आप इजीली यूज़ कर सकते हो, तो वो भी आप देखेंगे कि ये वाला फीचर भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। मतलब पीछे बैठने वाले पर्सन भी आगे वाले पे आप बिल्कुल निर्भर नहीं हो सकते, आप अपने हेडफोन्स लगाइए और इजीली अपने ड्राइविंग को आप इजीली इंजॉय कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट क्या है, ये बिल्कुल पोर्टेबल है, आप यहाँ से इसको रिमूव करके अपने घर भी साथ लेकर जा सकते हैं। इसको मैंने अपने फ़ोन के हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया है ताकि इसका भी जो वीडियो है, जो HD क्लैरिटी है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। और ये अगर मैं बात करूँ, ये 4+64 है तभी इतना स्मूथ है। अगर मैं बात करूँ कि इस कार को रेडी करने में इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर या जो भी हम लोगों ने साउंड अपग्रेड किया इस कार में, तो अप्रॉक्सीमेटली टोटल कॉस्ट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ साउंड की बात करूँ तो वो आया है अप्रॉक्सीमेटली 45,000 से लेके 50,000 के बीच में, जिसके अंदर हम लोगों ने सारी चीज़ें इस कार के अंदर इंस्टॉल की हुई हैं। साथ ही में अगर मैं बात करूँ फुल ऑन बजट की, कि ओवरऑल बजट क्या गया है इस कार का, तो वो गया है अपना 1,20,000 से लेके 1,25,000 के बीच में। सो गाइस इस कार के अंदर हम लोगों ने जो भी इंटरेस्टिंग वर्क किया था, डिफरेंट वर्क किया था लास्ट वीडियो से, बेटर वर्क किया था और अच्छा सा वर्क लेकर आए थे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। वर्क पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, साथ में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए कि इसके अंदर हम और क्या बेटर कर सकते थे, या कोई और सजेशन या कोई फीडबैक है तो प्लीज़ अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल भी देरी मत करो, जल्दी से अपना फ़ोन उठाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि आपको हमारे चैनल्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने हमें कॉल करने के लिए, क्वेरी करने के लिए नंबर जो रहेगा गाइज वो रहेगा 7271939393। कोशिश कीजिए कि 10 to 7 ही आप हमें कॉल कीजिए, मंडे हम लोगों का ऑफ रहता है। सो गाइज फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, नई कार के साथ, नए थीम के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून एंड बाय बाय।
गाइज ये है बहुत क्यूट सी फैमिली, छोटी सी फैमिली हमारे पास आई थी ऑल द वे फ्रॉम लुधियाना से, और सर है मिस्टर अमित जी और ये उनकी वाइफ है, और अब रोने लग गई है, थोड़ा सा परेशान हो रही है क्योंकि रात काफी हो गई, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी 10 बज चुके हैं। सो सर से और मैम से फीडबैक लेना चाहते हैं कि मैम जो हम लोगों ने आपके कार के अंदर वर्क किया है एक्सटीरियर इंटीरियर और आप इतनी दूर से आए हो, ओवरऑल फीडबैक आप कार सेलिंग को क्या देना चाहोगे मैम? ओवरऑल फीडबैक काफी अच्छा रहा है क्योंकि बाकी कोऑपरेटिव रहे क्योंकि हमने काफी देर तक बोला, रात 10 बज रहा है, नहीं नहीं सर कोई बात नहीं, इतनी देर तक इन्होंने सारा काम किया, बाकी जो भी काम है काफी बढ़िया ही हुआ है क्योंकि हमने सारी चीजें साउंड सिस्टम में आपको थोड़ा साउंड सिस्टम में हमारा बेस चाहिए था, हमें साउंड सिस्टम पे हमारा मेन फोकस था कि हमें अच्छा चाहिए, हमारा ट्रैवल ऐसा बोरिंग से नहीं होना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा है। मैं बोलते कि मैं बहुत ट्रैवलिंग करती हूं और सर बहुत बोर कर देते हैं, तो उन्होंने इसलिए सबसे पहले नहीं नहीं साउंड सिस्टम अपग्रेड कराया कि साउंड सिस्टम तो धासु होना ही चाहिए। तो ओवरऑल बाकी सीट्स इंटीरियर जो सारा वर्क बहुत ही सही है, पहले से हमारी गाड़ी काफी गुड लुकिंग हो गई है। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं पहले से अब एक्चुअली इसको लिया था हमने, तो हमने इसको टॉप मॉडल ही बनाना चाह रहे थे, तो टॉप से बेटर ही हो गया क्योंकि हमको उसमें साउंड जो हमको चाहिए था वो टॉप में भी वैसा नहीं है, तो काफी चीजें उसमें हो गई है, तो अब ये गाड़ी हमारी टॉप वेरियंट से भी अच्छी हो गई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम।